हेलो दोस्तों, ऑटोबुल में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स गुरखा के बारे में। दोस्तों, फोर्स गुरखा को जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। यह फोर्स गुरखा एक ऑफ रोडर कार होने वाली है, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली महिंद्रा थार को कॉम्पिटिशन देने वाली है। इस सेगमेंट में सिर्फ यह दो कार सी होगी। वैसे देखा जाए तो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, पर वो ओवर प्राइस और ज़्यादा प्राइस में मिलते हैं। यह दो कार आपको अपने बजट के सेगमेंट में मिल सकती है। पिछले हफ्ते ही फोर्स गुरखा को टीज़र लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं महिंद्रा थार से भी अच्छा कैबिन देखने को मिल सकता है। जो लोग महिंद्रा थार की बड़ी वेटिंग पीरियड से तंग आ चुके हैं, उनके लिए फोर्स गुरखा एक नया ऑप्शन हो सकता है। फोर्स गुरखा में आपको क्या क्या नया मिलने वाला है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको पता होगा, फोर्स गुरखा जो इंडियन मार्केट में पहले से अवेलेबल है, अब उसे अच्छा और नया लुक मिलने वाला है। फोर्स गुरखा को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। इस गाड़ी में आपको बहुत से एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं। हाल ही में टीज किए हुए गुरखा में आपको LED DRL सर्कुलर हेडलैम्प, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। फोर्स गुरखा में आपको बहुत प्रीमियम लगने वाला बैक कैबिन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील, पावर विंडो, फ्रंट एयरबैग, ABS, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। आपको पता है कि यह कार ऑफ रोडर है, तो इसमें 2.6 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिल सकता है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि 89 BHP की पावर और 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। इसकी प्राइस लगभग महिंद्रा थार जैसी हो सकती है, और यह कार इस साल के फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।